Hey everyone, what's up? Welcome back to my channel. I hope you all are safe. So, आज मैं शेयर करने वाली हूँ दिस ग्लैम मेकअप ट्यूटोरियल जो मैंने खास करके बनाया है टीनेजर्स के लिए. सो इफ यू वॉन्ट टू नो हाउ आई क्रिएटेड दिस लुक देन प्लीज कीप ऑन वॉचिंग. बट येस, बिफोर स्टार्टिंग, इफ यू आर न्यू टू माई चैनल देन जस्ट टेक अ मोमेंट एंड सब्सक्राइब एंड क्लिक ऑन द बेल बटन ऑल्सो, ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ आपको हमेशा एक नोटिफिकेशन मिले. सो फर्स्ट मैं मॉइस्चराइज करूँगी फेस को एंड मैं यूज़ कर रही हूँ पॉन्स लाइट मॉइस्चराइज़र. ये बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइज़र है अफोर्डेबल प्राइस में. नेक्स्ट मैं प्राइमर यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे नायका प्रेप मी अप प्राइमर एंड ये बहुत ही अच्छा कम प्राइस में सिलिकॉन ब्रेस प्राइमर है. बहुत ही अच्छा काम करता है ये. एंड उसके बाद मैं यूज़ करूँगी फाउंडेशन. नाउ मैंने चूज़ किया है आज मेबेलिन फिट मी फाउंडेशन एंड जो मैंने शेड है ये है 238. एंड ये फाउंडेशन ना चाहे बिगिनर हो, टीनेजर हो या फिर किसी भी एज का हो, कोई भी हो, ये फाउंडेशन सबके लिए बहुत ज़्यादा परफेक्ट है. सो आई लव दिस फाउंडेशन. द फिनिश इज़ वेरी नाइस. इट्स अ मैट फाउंडेशन एंड इट्स नॉट दैट सुपर मैट, बट इट्स मैट एंड यू कैन मेक इट सुपर मैट इफ़ यू हैव ऑयली स्किन टाइप. देन मैं यूज़ कर रही हूँ नेक्स्ट कंसीलर. आप कोई भी कंसीलर यूज़ कर सकते हो. अगर आप कंसीलर यूज़ नहीं करना चाहते हो देन आप सेम जहाँ मैंने कंसीलर अप्लाई किया है आप वहाँ पे भी आपका जो फाउंडेशन है उसे दोबारा अप्लाई कर सकते हो थोड़ी सी अमाउंट पे. देन मैं सेम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसे ब्लेंड कर रही हूँ एंड ऑलवेज़ आपको ना डैब डैब मोशन पे आपका ब्यूटी ब्लेंडर को चलाना है. आपको स्वाइप और ड्रैग नहीं करना है. इससे जो हमारा जो फाउंडेशन और जो कंसीलर होता है वो अपनी जगह पे नहीं रहता है एंड ठीक से ब्लेंड नहीं हो पाता है. सो एंड जो मेरा ये ब्यूटी ब्लेंडर ये मैंने डैम कर लिया, यानी कि मैंने भिगो लिया है पानी से एंड एक्सेस वाटर को मैंने निकाल लिया है. उसके बाद मैं फेस को सेट करूँगी यूजिंग अ लूज पाउडर. आप चाहे तो कॉम्पैक्ट भी यूज़ कर सकते हो यहाँ पे. सो मैंने कॉम्पैक्ट को लेकर आप देख रहे हो मैं कैसे डैबिंग मोशन पे इसे अपने पूरे फेस को सेट कर रही हूँ. देन मैं यूज़ करूँगी सेटिंग स्प्रे. वेल यू कैन स्किप दिस स्टेप, बट अगर आप चाहते हो कि आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहे, अगर आप किसी ना बाहर ओकेजन पे जा रही हो तो ये ज़रूरी है. उसके बाद मैं यूज़ करूँगी आज वेट नोवेल का आई शेडो पैलेट एंड इसमें से ये ट्रांजिशन शेड को लेके एक ब्लेंडिंग ब्रश के हेल्प से मैं अपने पूरे आईलिड पे एंड क्रीज पे अच्छी तरह सर्कुलर मोशन पे ब्लेंड कर लूँगी एंड मैं सेम कलर को अपने लोअर लैश लाइन पे भी अप्लाई करूँगी एंड ब्लेंड करूँगी. एंड आज जब बारी आता है आई मेकअप की ना, तो ऑलवेज़ टेक योर टाइम, लाइक अच्छे से टाइम लेके अपना आई शेडो जो उसको ब्लेंड करे. नेक्स्ट मैं ये शिमरी शेड को लेके अपने फिंगर के हेल्प से अपने आईलिड के ऊपर इसे अप्लाई करूँगी एंड यू कैन सी मेरा आईलिड कितना ग्लोई सुंदर लग रहा है. देन अगेन टेकिंग दैट सेम ब्लेंडिंग ब्रश थोड़ा सा ब्लेंड कर दे रही हूँ एजेस को. नेक्स्ट मैं यूज़ करूँगी मिस क्लेयर आईब्रो पेंसिल. दिस इज एन इम्पॉर्टेंट स्टेप गाइज. अगर आप चाहते हो कि आपका फेस जो है बहुत ही यू नो डिफाइंड लगे तो आईब्रो को ऑलवेज फिल करना. नेक्स्ट मैं यूज़ करूँगी काजल. आप कोई भी अपना फेवरेट काजल यूज़ कर सकते हो. यहाँ पे मैंने यूज़ किया है नायका रॉक द लाइन काजल एंड मैंने बस यू नो इसे एज अ आई लाइनर मैं इसे ऊपर की तरफ एंड मेरे लोअर लैश लाइन पे इसे अप्लाई करूँगी. 1/3 लोअर लैश लाइन पे मैं पूरा आई पे नहीं अप्लाई कर रही हूँ इसे. देन टेकिंग एन एंगुलर ब्रश मैं इसे स्मच करूँगी बहुत ही धीरे धीरे, ताकि यू नो बिल्कुल भी मेस ना हो, क्योंकि एक बार मेस हो गया काजल से उसको ठीक नहीं कर सकते, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. सो ऑलवेज टेक योर टाइम एंड ब्लेंड योर काजल अगर आप स्मोक्ड आउट लुक करना चाहते हो. सो मैंने यहाँ पे स्मोक्ड आउट लुक किया है एंड जो देख रहे हो कितना सुंदर मेरा जो काजल है वो ब्लेंड हो गया है. आप चाहे तो काजल की जगह लाइनर भी यूज़ कर सकते हो, बट काजल और ज़्यादा अच्छा लगता है जब स्मोक की आई लुक का बारी आता है तो. सो मैंने लोअर लैश लाइन को भी ब्लेंड कर लिया है सेम ब्रश से एंड देन मैं अप्लाई करूँगी मस्कारा. मैं यहाँ पे मेबेलिन का सेंसेशनल मस्कारा जो है वो अप्लाई कर रही हूँ एंड बहुत ही अच्छा मस्कारा ही है. वॉल्यूमिनस इफेक्ट देता है. मैंने एक कोट अप्लाई करने के बाद अपने आईलैश को कर्ल किया है एंड इसके बाद मैं फिर से और एक कोट अप्लाई किया. इससे क्या होता है थोड़ा सा कर्ली इफेक्ट आता है लैशेज में. अगर आप बिगिनर हो ना तो ये मस्कारा आपके लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि अगर आप नहीं चाहते कि फॉल्सेस अप्लाई करना तो ऑफकोर्स ये मस्कारा इज़ अ बॉम फॉर यू गाइज. नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ कॉन्टोर पाउडर फ्रॉम वेट एंड वाइल्ड एंड आप स्किप कर सकते हो. अगर आपको कॉन्टोर नहीं करना है तो आप डायरेक्ट ब्लश में मूव कर सकते हो. तो ब्लश के लिए मैं यूज़ कर सकती हूँ यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे वेट एंड वाइल्ड कलर आइकन ब्लश इन द शेड मेलो वाइन एंड मैं सर्कुलर मोशन पे कैसे ब्लेंड कर रही हूँ मेरे एंड मैं थोड़ा सा मेरे पे नोज पे एंड चिन पे भी अप्लाई करना पसंद करती हूँ.
देन मैं मेबलिन का हाइलाइटर यूज़ करूँगी यहाँ पे, मास्टर क्रोम हाइलाइटर एंड यू कैन सी कितना ब्यूटीफुल है ये हाइलाइटर, कितना पिगमेंटेड है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, लाइक एकदम ना डायमंड बॉल जैसे लगता है फेस पूरा। उसके बाद लास्ट मैंने सेटिंग पे अप्लाई किया है एंड देन मैं लिपस्टिक के लिए यूज़ कर रही हूँ नायका का पेन स्टिक्स लिपस्टिक एंड ये बहुत ही अच्छा लग रहा है इस लुक के साथ। सो हियर इज़ माय फाइनल लुक एंड ये चाहे तो आप किसी भी यू नो वेस्टर्न आउटफिट के साथ कैरी कर सकते हो, और अगर आपको नहीं करना है ईस्टर्न ट्राई करना है सो टाटा, हियर इज़ माई ईस्टर्न लुक। थोड़ा एक बिंदी ऐड कर लिया, एक झुमकी ऐड कर लिया एंड दैट्स इट यू गाइज। ये लुक दोनों के साथ ये बहुत ही अच्छा लगेगा एंड अगर आपको यू नो बोल्ड आईज़ नहीं पसंद है तो ऑफकोर्स आप ये वाला जो मेकअप लुक है वो ट्राई कर सकते हो, बहुत ही प्रीटी लगेगा एंड ऐसा जो लुक है ना वो किसी भी ओकेजन के लिए बहुत ज़्यादा परफेक्ट है। सो आई होप यू गाइज एन्जॉयड इट एंड इफ यू डिड देन प्लीज देन गिव दिस वीडियो अ बिग थम्स अप एंड आई विल सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो। Till then, bye, take care, and I love you all.